देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की जरूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। यह मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा, किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। जहां तक अभी तक मुझे जानकारी हुई है, ये सीडीएस को टास्क दिया गया है। आगे जो टास्क मिलेगा उसको हम सक्षम रूप से करते आएंगे। Well, I would say it is possible. I can't just say that from now only, you know, you give up. If the government has said 3 years, there must be some thought which has must have gone behind that. And we'll strive to achieve that in 3 years. Why should we not? Why should we at the very beginning only say it is not possible? Sure. I have never said anything is not possible. Sir, क्या कहेंगे सर? एलसी पर दो जवान फिर से शहीद हुए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकत जारी है और अब बात हो रही है पीयूके पर। इस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पहले मुझे जो टास्क दिया गया है उस पर ध्यान देने दीजिए, और आई डोंट थिंक हमें अपने जो टास्क से भड़कना चाहिए इस वक्त। सर, जो कुछ है, काम मिला है, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, द सीडीएस हैज आल्सो बीन गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विसेज, अंडमान निकोबार कमांड एंड द 3 न्यू एजेंसीज विच हैव बीन क्रिएटेड। सो सर, विद दिस अपॉइंटमेंट नाउ डू वी एक्सपेक्ट दैट द ऑल फ्यूचर ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस वुड सी मोर जॉइंटनेस, वुड सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम 3 सर्विसेज टुगेदर? एयर चीफ मार्शल धनवा के रिटायर होने के बाद मुझे चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तब से ये जो संस्थाएं हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे हैं, और मैं आपको ये यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इन सब में सहयोग के साथ कार्रवाई हो रही है। अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे काम करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे, तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी। जो 3 जो हमने ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है, और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी। इसके अलावा और आगे अब कार्रवाई करनी है हमारे। हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड सर? ओके, बोलो। आई थिंक से अगेन आई देखिए, उस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है।
तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से, इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? वेल, यू आर पार्ट ऑफ इट, दैट्स इट सर. ये परसेप्शन है सर, वन ऑफ योर मैंडेट्स इज थिएटराइजेशन, बट द एयरफोर्स हैज ट्रेडिशनली बीन अपोज्ड टू थिएटर कमांड्स इंक्लूडिंग एयरचीफ धनोआ एंड सेवरल प्रीवियस चीफ्स. हाउ विल यू गो अबाउट बिल्डिंग कंसेंसस टू गो इन फॉर थिएटराइजेशन? यू सी, आई थिंक देयर आर मेथड्स ऑफ डूइंग थिएटराइजेशन. आई थिंक वी ऑल आर कॉपिंग वेस्टर्न मेथड्स एंड व्हाट अदर्स हैव डन. वी कैन हैव आवर ओन सिस्टम्स, वी विल वर्क आउट आवर मैकेनिज्म्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, एंड आई थिंक इट कैन वर्क. तो जो सर तीन नई कमांड साइबर स्पेशल फोर्स और उस पर काम शुरू हुआ है, आपको लगता है कि सीडीएस बनने के बाद तेजी से उस पर काम होगा, कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे आप, क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी और सरकार ने उसको एक जिम्मेदारी दी है? आपको मैं कहना चाहूंगा उस पर काम चल रहा है, उसको अगर और तेजी से काम करना है तो उस पर हम सर्टनली उस पर हम ध्यान देंगे. आपको लगता है सर कि सेना और को जो लगातार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मिल रहा था आपके अपॉइंटमेंट के बाद, वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल खत्म होगी और सेना की तमाम जरूरतें तेजी से पूरी हो पाएगी? देखिए, जो भी काम होता है वो तालमेल से होता है, अगर वो तालमेल सही रहा तो कार्रवाई पक्का होते रहेगी. जनरल रावत, हाउ डज इट फील टू बी इंडियाज फर्स्ट सीडीएस? मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस. व्हाट डज इट फील लाइक? व्हाट डज दिस मोमेंट फील लाइक? माय हेड इज फीलिंग लाइटर बिकॉज़ आई हैव हैड टू टेक ऑफ दैट, you know, the so-called angled Gurkha hat, which I have been wearing for 41 years. I have come back to the peak because this peak cap that I am wearing is to say that we are now neutral. The CDS will remain neutral. He will be neutral to all the three services within his own service. And therefore, my head is certainly feeling lighter. Sir, you are talking about half-range challenge all the time. As new CDS, as the first CDS, sir, how are we going to meet the challenge on the northern front, especially when we understand that China has been reportedly making roads across disputed territory across our borders? Through integrated and joint effort, that is what I said, 1+1+1 should not become 3, they should become 5 or 7. Sir, to add on to Rahul's question, when he asked about theaterization, including the SFC and SINCAN, we now have 19 commands. Will we maintain the same number of commands, or you have something in mind? That is something which we have to study. We will work with the three services, and I am sure we'll come out with a mechanism which suits the Indian system. We don't have to copy any system from the other countries. I think we have to work on what will suit us best. General Rawat, aapki niyukti par kuch rajneetik virodh ke swar bhi uthe hain. Congress ne ise galat kadam bataya. इसमें सर इसी में ऐड करते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते हैं कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो आपका क्या व्यू है इस पर? हम दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से. आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है विरोध करते हुए, आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई? ऐसा है, हम लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं. Thank you. Sir, just a clarification. Okay. Sir, you said 1+1+1 should not become 3, it should be 5 or 7. What I am saying is, the synergized effort should not be the sum of the whole. It should be much more than the sum of the whole. That is what it is. In fact, like you say, 1+1 should not be 2, it should be 11. So I am saying 1+1+1 should not be 3. When you work in synergy, you can make it more than the sum of the whole. And that is the effort. Thank you, sir. I wore this cap last when I passed out from the Indian Military Academy, and thereafter for 41 years, it was that Gurkha hat with which I was always associated. But as I've said, the CDS will have to be neutral within the service and amongst the three services. Sir, personally, you were just set to retire and you must have made plans for the next year also, and suddenly you were... Oh, maine bata diya tha. I think those plans I had already spelt out. Now, whether those plans would get deferred because they can't work simultaneously. Yes, sir. Thank you, sir. देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं. साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें.